बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये यूएई का गोल्डन वीजा क्या है, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ये किन लोगों को दिया जा रहा है, गोल्डन वीजा के बेनिफिट्स क्या हैं और गोल्डन वीजा कैसे हासिल किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आपने यूएई गोल्डन वीजा के बारे में तो सुन रखा होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। गोल्डन वीजा एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा है जिसे 2018 में स्टार्ट किया गया। किसी भी मुल्क में जितनी भी वीजा कैटेगरी होती हैं, उनमें से जो सबसे टॉप पर वीजा आता है उस कैटेगरी को गोल्डन वीजा या उस वीजे को गोल्डन वीजा कहते हैं। अब जब हर मुल्क का गोल्डन वीजा है, ये कैटेगरी तकरीबन हर कंट्रीज की है जहाँ हम जाते हैं या जहाँ हम जाना चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि इतने इसके चर्चे हैं और इतनी मशहूरी क्यों है, अब इस पर बात करते हैं। आप रोजाना सुनते होंगे कि आज इस एक्टर को गोल्डन वीजा मिल गया है, आज इस क्रिकेटर को वीजा मिल गया है, बहुत से यूट्यूबर को भी गोल्डन वीजा मिला है, बॉलीवुड के बहुत से सुपरस्टार को, अदाकारों को वीजा मिला है गोल्डन वीजा, इवन के पाकिस्तानी बहुत ज्यादा, जो बहुत से पाकिस्तानी हैं उनको भी गोल्डन वीजा दिया गया है। जिस बंदे को गोल्डन वीजा मिल जाता है वो स्टेटस वाइज सेकंड हाईएस्ट रैंक पर होता है, मतलब यूएई के जो लोकल हैं उनके बाद जो स्टेटस आता है वो गोल्डन वीजा वाले का आता है। इससे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो गया होगा कि इसकी इतनी हाइप क्यों बनी हुई है। यूएई चूंकि दुनिया के लिए एक बिजनेस हब बनता जा रहा है और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से लोग जो है ना यूएई का रुख कर रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो आउट क्लास, और वो है भी, आप और आपकी फैमिली यूएई से ज्यादा इतनी सेफ कहीं भी नहीं है। औरतों के लिए सेफ तरीन कंट्री समझा जाता है। यूएई में कमाने के मौके बहुत ज्यादा हैं, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। आप यूएई के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं तो वहां आपको उसी मुल्क की नेशनैलिटी के ज्यादा लोग मिलेंगे, जबकि आप अगर यूएई में जाते हैं तो आपको 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज के लोग मिलेंगे, जिसकी वजह से हर किस्म का कल्चर आपको देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, हर किस्म की इंटरटेनमेंट के मौके मौजूद हैं, फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और यही वजह है कि हर कोई यूएई में सेटल होना चाहता है। और यूएई ने ये गोल्डन वीजा स्टार्ट भी इसीलिए किया था कि बरूने मुल्क से सरमायाकारी और स्किल पर्सन यूएई का रुख करें। पहले लोग कनाडा, यूएसए, यूरोप का रुख करते थे, इसलिए कि वहां कुछ टाइम रहने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है या वहां की नेशनैलिटी मिल जाती है, इसके बाद लोग वहां सेटल हो जाते थे। जब से यूएई ने अपना गोल्डन वीजा स्टार्ट किया हुआ है तो पूरी दुनिया से लोग ज्यादा यूएई का रुख कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गोल्डन वीजा क्या है, इसकी इतनी हाइप क्यों बनी हुई है, लोग क्यों ज्यादा यूएई आना चाहते हैं और क्यों गोल्डन वीजा हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूएई का गोल्डन वीजा अप्लाई कैसे किया जा सकता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी और उस पर कितना टाइम लगेगा, उसकी कितनी फीस है, ये सारी डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।